चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज केमिस्ट्री पढ़ना। जहां तक कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वहां पे हम लोग वेग समीकरण निकालना सीखा था। वेग समीकरण में जो के होता है उसको वेग स्थिरांक बोलते हैं। वेग स्थिरांक की क्या क्या विशेषताएं हैं यहां तक कि हम लोग देखे थे। उसके आगे का केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक देंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम लोग देखेंगे कि अभिक्रिया के वेग को कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो चलिए अब उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर वन, अभिकारकों का सांद्रण। अभिकारकों का सांद्रण। दूसरा, ताप। तीसरा, अभिकारक की प्रकृति। तीसरा, अभिकारक की प्रकृति। चौथा, विकिरण का प्रभाव। तो टोटल मिलाकर अगर हमसे सवाल पूछा जाएगा कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये चार हैं। पहला है अभिकारक का सांद्रण, दूसरा है ताप, तीसरा है अभिकारकों का प्रकृति। अभिकारकों का मतलब कोई भी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का साइन रहता है उसके पहले वाले को अभिकारक बोला जाता है। तो अभिकारक का प्रकृति पर भी निर्भर करेगा कि किस तरह का अभिकारक है। और चौथा का नाम है विकिरण प्रभाव। तो विकिरण का प्रभाव, अब चाहे पहला तो समझ रहे हैं अभिकारक का सांद्रण, सांद्रण का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ये सांद्रण। और सांद्रण पांच तरीके से रहता है, मूलरता, मूलरता, मूल प्रभाज, पीपीएम, ये सब सारा। तो सांद्रण पर निर्भर करता है कि उसका सांद्रण कितना है, कितना मूल है, कितना मूल प्रभाज है, राइट। अच्छा, दूसरा तो ताप है, ताप पे डिपेंड करता है। और तीसरा अभिकारक का प्रकृति, कि मतलब अभिकारक में क्या लिया जा रहा है। जैसे अभिक्रिया है, इधर H2 है, O2 है, कि Na है, क्या है, तो इस अभिकारक पर डिपेंड करता है कि आप अभिकारक में क्या ले रहे हैं। लेकिन अब विकिरण का प्रभाव समझना बहुत जरूरी है। अब विकिरण के प्रभाव पर निर्भर करता है, आपको पता होना चाहिए कि नोट में करके लिख लीजिएगा, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा कि अगर मान लिया कि एक अभिक्रिया है जिसका नाम है H2 प्लस Cl2, और विकिरण का प्रभाव का मतलब होता है कि अगर इस अभिक्रिया को अंधेरे में कराया जा रहा है और एक है सूर्य के प्रकाश में कराया जा रहा है, देख पा रहे हैं, यही अभिक्रिया को अंधेरा में कराया जा रहा है, तो प्यारे छात्रों 2HCl ही बनेगा। जो प्रतिफल में यहां बन रहा है वो यहां भी बनेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब अंधेरे में अगर इस अभिक्रिया को कराएंगे तो ये मंद अभिक्रिया होता है, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश में तीव्र अभिक्रिया होता है। तो आपको यहां से क्या पता चला कि किसी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में किरण भी है। कि अगर विकिरण का प्रभाव का मतलब कि अगर किरण उस पे देंगे तो वो तीव्र होगा, और अगर किरण को कम कर देंगे अंधेरा में वो मंद विक्रिया होगा। तो यहां से क्लियर होता है कि विकिरण का भी प्रभाव यहां पे पड़ता है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे, नोट में करके लिख लीजिएगा कि अगर ये अभिक्रिया है तो अभिकारक सेम था, प्रतिबल भी सेम बन रहा है, लेकिन एक अंधेरे में जाकर रिएक्शन कराया जा रहा है सूर्य के प्रकाश में, तो ये बहुत मंद हो रहा है, बहुत देर के बाद ये प्रतिफल मिल रहा है और ये बहुत जल्दी मिल रहा है, इसलिए ये तीव्र है विक्रिया और ये मंद विक्रिया है। चलिए तो उसके आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का भी प्रभाव है, तो अब इसके बारे में डीपली समझते हैं। तो लिखेंगे टॉपिक अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे ताप में वृद्धि होने से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाता है। बिल्कुल अभी समझे ना एक एग्जांपल के तौर पे, कि अगर अंधेरा से अगर प्रकाश में लाया जा रहा है H2Cl2 को तो जल्दी बन जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ताप बढ़ रहा है तो अभिक्रिया जल्दी बन रहा है, अभिक्रिया जल्दी हो रहा है, यानी टेम्परेचर ज्यादा करने से अभिक्रिया जल्दी तैयार बनता है, अभिक्रिया जल्दी होती है। तो लिखेंगे
ताप के में वृद्धि होने से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाता है, कौमा इसके निम्नलिखित दो कारण है, इसके निम्नलिखित दो कारण है। पहला, पहला अणुओं के बीच टकरों की संख्या में वृद्धि, अणुओं के बीच टकरों की संख्या में वृद्धि। दूसरा प्रभावकारी टकरों की संख्या। अब उसके नीचे नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे नेक्स्ट एरो, अभिक्रिया कराने वाले टक्कर को प्रभावकारी टक्कर कहा जाता है, अभिक्रिया कराने वाले टक्कर को प्रभावकारी टक्कर कहा जाता है, जबकि अभिक्रिया नहीं कराने वाले टक्कर को अप्रभावकारी टक्कर कहा जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले अभिक्रिया के वेग पर जो ताप का प्रभाव है, तो सबसे पहले आपको यह समझ रहे हैं कि टेम्परेचर, अगर ताप को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया जो है वो भी जल्दी होगा, तीव्र होगा। इसके लिए दो कारण है, पहला क्या है, तो पहला है टकरों की संख्या, यानी कि जो अगर मान लिया कि एक बीकर में जैसे ही एक वाटर ले लिया और इसमें टेम्परेचर ताप दे रहे हैं हम इसको, तो आपको जब वाटर को ताप टेम्परेचर दे रहे हैं तो वाटर बॉयल होने लगेगा। इसका मतलब क्या, बेसिकली उसका क्या मीनिंग हुआ कि उसके बीच में जितने भी अणु हैं वो आपस में क्या होने लगे, उनका टक्कर होने लगा। वही टक्कर की वजह से, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा टक्कर होगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा टक्कर होगा अभिक्रिया उतना ही जल्दी होगा। इसका मतलब यह हुआ कि टक्कर की संख्या पर निर्भर करता है, अगर टक्करों की संख्या ज्यादा होगी तो अभिक्रिया उतना ही ज्यादा होगा, और टक्कर का संख्या कब ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, जब ताप बढ़ाएंगे तो टक्कर बढ़ेगा, और टक्कर बढ़ेगा तो अभिक्रिया होगा। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि टेम्परेचर से क्या प्रभाव पड़ता है, तो टेम्परेचर से यही प्रभाव पड़ा कि टक्कर का संख्या ज्यादा होगा, और टक्कर का संख्या ज्यादा होगा तो नहीं ताप ज्यादा होगा तो टक्कर का संख्या ज्यादा होगा, और टक्कर ज्यादा से ज्यादा होगा इसका मतलब अभिक्रिया उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हम लोग समझ रहे हैं कि एक होता है प्रभावकारी टक्कर और एक होता है अप्रभावकारी टक्कर, यानी कि किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि टक्कर तो हो रहे हैं लेकिन वो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, तो वैसा टक्कर जो टक्कर होने के बाद भी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अप्रभावकारी टक्कर। लेकिन अगर वैसा टक्कर जो हमारे लिए लाभदायक होगा, जो अभिक्रिया में भाग लेगा, उसी को हम बोलेंगे प्रभावकारी टक्कर, अन्यथा उसको बोल देंगे अप्रभावकारी टक्कर, राइट। चलिए उसके नीचे फिर कुछ एरो देंगे, लिखेंगे टकरों के प्रभावकारी होने के लिए अणुओं के एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होना चाहिए, अणुओं के एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होना चाहिए जिसे देहली ऊर्जा कहा जाता है। बताते हैं देहली ऊर्जा क्या है, फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे नेक्स्ट एरो, देहली ऊर्जा और अणु का सामान्य अवस्था का ऊर्जा के अंतर को, अणुओं के सामान्य अवस्था के ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है,
सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है, सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं कि ये दोनों ऊर्जा क्या है, किसको हम बोलेंगे कि दहली ऊर्जा और किसको बोलेंगे सक्रियण ऊर्जा। अभी हम लोग पढ़े कि प्रभावकारी टक्कर और अप्रभावकारी टक्कर, यानी कि वैसा टक्कर जो रिएक्शन में भाग लेता है यानी रिएक्शन के लिए इंपोर्टेंट है वो कहलाता है क्या, प्रभावकारी। और वैसा टक्करों का संख्या, अणुओं का वैसा टक्कर जो रिएक्शन के लिए कोई सुटेबल नहीं है, कोई फायदामंद नहीं है, अप्रभावकारी टक्कर। अब हम लोग समझते हैं कि दहली ऊर्जा क्या है, तो दहली ऊर्जा किसको बोलेंगे, तो टक्कर करने के लिए न्यूनतम उसके लिए ऊर्जा होना चाहिए। जैसे मान लिया कि आपको किसी दूसरे दुश्मन के साथ आपको लड़ना है और लड़ने के लिए आपके पास क्या क्या मिनिमम हथियार होना चाहिए। अगर मान लिया कि किसी साथ लड़ना है तो कुछ ऐसा भी होगा ना कि आपके पास ये चीज है या आप हैं तभी उसके लिए एलिजिबल है, तभी आप उसके लिए सक्षम है तो आप जाएंगे लड़ने। उसी तरीके से टक्कर में एक सबसे एकदम जो होना चाहिए न्यूनतम ऊर्जा, जिसका नाम है दहली ऊर्जा। अगर ये दहली ऊर्जा है तभी वो रिएक्शन में भाग ले सकता है। तो हम इसको दहली ऊर्जा का डेफिनेशन कि टक्कर करने के लिए किसी भी अणु का सबसे न्यूनतम ऊर्जा होना आवश्यक है, वही न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है, दहली ऊर्जा कहलाता है। यानी कि किसी भी अणु जो टक्कर कर रहे हैं रिएक्शन में भाग लेने के लिए उनका अपना न्यूनतम ऊर्जा होना चाहिए जो कहलाता है दहली ऊर्जा, राइट। अच्छा अब हम लोग समझते हैं सक्रियण ऊर्जा। अगर मान लेते हैं कि जो अणु आपस में टक्कर हो रहे हैं तो सबसे पहला अणुओं का अपना जो ऊर्जा है यानी कि सामान्य अवस्था का ऊर्जा, अणुओं का अणु का सामान्य अवस्था का ऊर्जा, अवस्था का ऊर्जा और डिफरेंस दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा वो कहलाता है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। तो कुल मिलाकर इस बात को भी उसके नीचे लिख दीजिएगा कि सक्रियण ऊर्जा क्या है। तो अगर मान लिया कि जो अणु टक्कर कर रहे हैं तो टक्कर करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा मान लिया जाए कि 5 जूल होना चाहिए, ठीक है, टक्कर होने के लिए न्यूनतम कितना चाहिए 5 जूल, लेकिन उसके पास टोटल, उस अणु के पास टोटल 8 जूल है तो 8 में से 5 घटा दीजिए तो 3 जूल जो आएगा वो सक्रियण ऊर्जा हो जाएगा। यानी कि सक्रियण ऊर्जा क्या है, तो सक्रियण ऊर्जा उसको कहते हैं जो अणु का सामान्य अवस्था में ऊर्जा और माइनस दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा का मतलब वह ऊर्जा जो टक्कर करने के लिए एलिजिबल है, टक्कर करने के लिए न्यूनतम चाहिए, तो न्यूनतम जितना चाहिए उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, वही अंतर क्या कहलाता है, सक्रियण ऊर्जा, राइट। चलिए आइए अब सीखते हैं अभिक्रिया होने का प्रक्रम। तो टॉपिक देंगे अभिक्रिया होने का प्रक्रम कि अभिक्रिया होता कैसे है, आखिर कैसे अभिक्रिया, जैसे कुछ हम लोग अभिकारक में लिखते हैं और डायरेक्ट प्रतिफल मिल जाता है, ये कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके नीचे कोई एरो नहीं देना है, डायरेक्ट एग्जांपल के तौर पे आपको समझना है। जैसे मान लिया एक ए बी प्लस ए बी, यानी कि एक यौगिक है ए बी, दोनों के बीच में बॉन्ड है, जुड़ा हुआ है और इसको एड है, इसका मतलब है कि अभिकारक है और इसके साथ प्रतिफल बनाना है, ये अभिकारक के रूप में लिया जा रहा है, अभिकारक के रूप में लिया जा रहा है। और जैसे ये अभिकारक है तो प्यारे छात्रों अभिकारक से डायरेक्ट हम लोग को प्रतिफल मिलता है ना, लेकिन अगर अभिक्रिया के होने का प्रक्रम को समझेंगे तो ये जब अभिक्रिया शुरू हो जाता है तो इनके बीच टक्कर शुरू हो जाता है और टक्कर होने की वजह से क्या होता है कि ये आपस में टूट जाते हैं, बॉन्ड टूट जाता है, यानी कि ए बी के बीच में बॉन्ड टूटा, इनके बीच में भी बॉन्ड टूट गया और इनके बीच में भी बॉन्ड टूट गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी अभिक्रिया हम लोग देखते हैं या पाते हैं तो अभिकारक से डायरेक्ट प्रतिफल मिलता है, लेकिन उसके बीच का भी प्रोसेस होता है जो हम लोगों को नहीं लिखा जाता है। डायरेक्ट अभिकारक से क्या लिखा जाता है, प्रतिफल लिखा जाता है, अभिकारक से प्रतिफल लिखा जाता है। हालांकि हम लोग को समझना चाहिए कि ये अभिकारक है और बीच में एक
कुछ अभिक्रिया होता है जिसको बोलते हैं मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती यौगिक या भाग जो भी लिख सकते हैं। मध्यवर्ती यौगिक में क्या होता है कि जो भी अभिकारक से अभिक्रिया स्टार्ट हो गया है तो उसके बीच में टक्कर शुरू होता है और टक्कर होने की वजह से सभी आपस में घुल मिल जाते हैं। तो यहां घुल मिल गया, अब यहां के बाद जो प्रतिफल होगा हो सकता है कि ए और ए से जुड़ जाए और प्लस बी से बी जुड़ जाए और ये मेरा कहलाया प्रतिफल। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर कहीं भी ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसा का मतलब हर रिएक्शन तो ऐसा ही होता है ना, क्योंकि अभिकारक से प्रतिफल जो डायरेक्ट हम लोग देखते हैं वो डायरेक्टली नहीं होता है, वो बीच में कुछ बनता है और बीच में क्या बनता है, मध्यवर्ती यौगिक बनाता है और यही मध्यवर्ती यौगिक को बोलते हैं सक्रिय जटिल यौगिक। इसको क्या बोलते हैं, सक्रिय जटिल यौगिक। तो याद रखिएगा कि वह अभिक्रिया जो मध्यवर्ती यौगिक बनाता है या प्रदर्शित करता है उसको हम लोग बोलते हैं सक्रिय जटिल यौगिक, और यह लगभग लगभग सभी अभिक्रियाएं में ऐसी होती है लेकिन दिखाया नहीं जाता है। डायरेक्ट अभिकारक से ये चीज बन गया लेकिन अब ये बन कैसे रहा है, उसके बीच में अभिक्रिया हुआ हो रहा होगा, जैसे H2 और O2 से क्या बन रहा है, 2H2O ये बनता है। तो H2 और O2 जब आपस में मिल रहा होगा तो बीच में वो टूटकर मिल रहे होंगे, इसका इसका टक्कर हो रहा होगा फिर ये मिल रहा होगा। तो हम लोग ये समझे कि अभिक्रिया होने का प्रक्रम, अभिक्रिया होता कैसे है, तो ये एक अभिक्रिया होने का प्रक्रम था। चलिए उसके आगे टॉपिक देते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम लोग का, अक्सर पूछता है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी को समझने के लिए हमारे पास दो ग्राफ है, एक है इधर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इधर वाला ग्राफ, और ये ग्राफ है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए अब हम लोग इस दोनों ग्राफ को अच्छे से समझते हैं कि ये ग्राफ में क्या क्या प्रदर्शित है। सबसे पहले ये जो है ग्राफ में एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ में वाई एक्सिस है, इस ग्राफ में भी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इसके बाद जो हम लोग काम करेंगे, एक ई वन है, ई टू है और ई थ्री है, यहाँ पे ई वन है, ई टू है और ई थ्री है। ई वन का मतलब होता है अभिकारक, ई टू का मतलब सक्रिय जटिल। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े कि जो अभिक्रिया होता है वो तीन चरणों में होता है, एक अभिकारक और अभिकारक से बनेगा मध्यवर्ती जटिल यौगिक और उसके बाद बनता है प्रतिफल, यानी कि कुल मिलाकर हम बता रहे हैं तो कोई भी अभिक्रिया तीन चरणों में ही पूरा होता है, अभिकारक से बनता है मध्यवर्ती और मध्यवर्ती से बनता है प्रतिफल। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ई वन का मतलब अभिकारक, ई टू का मतलब जो सक्रिय जटिल, ये ए बी है डॉट डॉट से दिख रहे हैं, तो ए डॉट डॉट बी का मतलब हुआ कि ये बीच वाला है, मध्यवर्ती है, और E3 का मतलब ये प्रतिफल वाला लाइन है। यहां पे देख पा रहे हैं तो E1 अभिकारक वाला ये वाला लाइन है, E2 बीच वाला यानी कि सक्रिय जटिल लिखा हुआ है, और E3 ये प्रतिफल वाला लाइन है, यानी कि इस ग्राफ में E1, E2, E3 का मतलब क्या हुआ, तो E1 का मतलब अभिकारक, E2 का मतलब सक्रिय जटिल यानी कि मध्यवर्ती, और E3 का मतलब प्रतिफल। अब उसके बाद अभिकारक और प्रतिफल के जो अंतर होगा उसको बताया गया डेल एच, यानी कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच के अंतर को डेल एच से सूचित किया जाता है। देखिए यहां अभिकारक है ऊपर ई वन, प्रतिफल है नीचे ई थ्री, यहां प्रतिफल ऊपर है, अभिकारक नीचे है, तो दोनों में जो अंतर होगा उसको हम लोग दर्शाए हैं डेल एच से, डेल एच से। अच्छा उसके बाद अभिकारक और सक्रिय जटिल के बीच के अंतर को देखिए, यहां से लेकर यहां तक है, यानी कि अभिकारक से लेकर और E2, E1 और E2 के बीच के अंतर को EA बोला जाता है, मतलब सक्रियण ऊर्जा। अच्छा यहां पे देख पा रहे होंगे ऊष्मा शोषी में अभिकारक नीचे है और E2 सबसे ऊपर है, तो E1 से लेकर
ई टू तक के, ई वन से लेकर ई टू तक के, उसको भी लिखा गया है ई ए। ई ए का मतलब सक्रियण ऊर्जा, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ई ए से सूचित किया गया है। यानी कि ये दोनों ग्राफ आपको प्रैक्टिस कर लेना है, और दोनों में ये जो ग्राफ है जहां पे भी हम मार्कर चला रहे हैं, इसको जरा गौर से देखिएगा। अभिकारक से शुरू हो रहा है, अभिकारक से बना मध्यवर्ती, तब बना प्रतिफल उष्माक्षेपी में, और उष्माशोषी में आप देखिएगा मार्कर जहां हम घुमा रहे हैं, अभिकारक से शुरू हुआ, अभिकारक यहां पे नीचे लिया गया है, अभिकारक से शुरू होता है, मध्यवर्ती से होते होते प्रतिफल बन जाता है, ये प्रतिफल है। अब दोनों में क्या अंतर है जरा ये समझिए। एक ही अंतर है, वो क्या कि हम लोग जब आप ग्राफ बनाते होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो यहां जीरो होता है, ऊपर एक, ऊपर दो, ऊपर तीन, बढ़ते जाता है। तो जैसे ऊपर का ग्राफ होगा वो बड़ा होगा, जैसे यहां पे उष्मा छेपी में अभिकारक का जो ऊर्जा है प्रतिफल के ऊर्जा से ज्यादा है और प्रतिफल का ऊर्जा कम है, यानी कि अभिकारक बड़ा है, यहां वाला देखिए वैल्यू, और प्रतिफल छोटा है, प्रतिफल कम है, क्योंकि यहां से जीरो से स्टार्ट होगा तो एक दो तीन, तो ये बड़ा होगा अभिकारक, और प्रतिफल नीचे है ई थ्री, तो ये छोटा होगा। अगर उसमें शोषी अभिक्रिया में बात करेंगे तो अभिकारक से चूंकि स्टार्ट करेंगे तो अभिकारक इसमें अभिकारक ऊर्जा कम है और प्रतिफल ज्यादा है। तो कुल मिलाकर उष्मा छेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक का ऊर्जा ज्यादा और प्रतिफल का ऊर्जा कम होता है, वो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, उष्मा छेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया या वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का ऊर्जा कम और प्रतिफल का ऊर्जा ज्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो दोनों तरफ आप देख पा रहे होंगे दोनों ग्राफ से क्लियर है इसका डेफिनेशन, कि हम लोग कैसे क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका हम लोग इसमें यह लिख सकते हैं कि उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया में अभिकारक का ऊर्जा प्रतिफल के ऊर्जा से ज्यादा होता है, या फिर लिख सकते हैं कि उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया में अभिकारक का ऊर्जा से प्रतिफल का ऊर्जा कम होता है। डेफिनेशन अपने हिसाब से डेफिनेशन लिखिए, जो कम है उसको कम लिखिए, जिससे कम है। जैसे उष्मा शोषी अभिक्रिया में अभिकारक का ऊर्जा प्रतिफल के ऊर्जा से कम होता है, ये लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि उष्मा शोषी अभिक्रिया में प्रतिफल का ऊर्जा अभिकारक का ऊर्जा से ज्यादा होता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, तो उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे फर्स्ट एरो देख करके लिखा जाए, उष्मा छेपी अभिक्रिया में प्रतिफल की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से कम होता है। नेक्स्ट एरो देंगे, इस ग्राफ को बढ़िया से बना लेना है, ग्राफ के नीचे एरो देना है, ग्राफ के सेकेंड एरो में लिखेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया में प्रतिफल की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से अधिक होती है। उसके नीचे लिखेंगे अतः डेल एच का मतलब ऊर्जा में अंतर, डेल एच बराबर क्या लिख सकते हैं, तो बड़ा में से छोटा घटता है, तो बड़ा क्या है E1 - E3। ये किसके लिए होगा, तो ये उष्मा छेपी के लिए होगा, अतः उसके नीचे लिखिएगा उष्मा छेपी, और उसके नीचे लिखेंगे ΔH = यहां पे बड़ा कौन है E3 और छोटा कौन है E1, यानी कि प्रतिफल ज्यादा है और अभिकारक छोटा है, तो यहां लिखेंगे E3 - E1, इसको बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया।
तो अब अतः के नीचे दो चीज लिख देंगे, ये उष्मा छेपी के लिए और ये उष्मा शोषी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि उष्मा छेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। तो अगर उष्मा छेपी बोलेगा तो सिर्फ ये वाला फिगर बनाना है, मतलब ग्राफ। ग्राफ अगर बनाते हैं तो आपको एग्जामिनर ये समझता है कि इसके अंदर का जो टैलेंट है वो अच्छा है, अच्छे से इस चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो आपको क्या करना है, यही दोनों फिगर को अलग अलग, कोई जरूरी नहीं कि एक ही कॉपी में आपको सटा सटा कर लिखना है। चाहे तो इसको पहले ऊपर बनाइए, उसके नीचे उष्मा शोषी का फिगर बना दीजिएगा, ग्राफ बना दीजिएगा, तो वो ज्यादा मतलब कि फ्रेश दिखना चाहिए ग्राफ। तो उष्मा शोषी और उष्मा छेपी अभिक्रिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हम लोग समझे। आज तक के क्लास को इतना ही एंड करते हैं, हम लोग अगले वीडियोज में, अगले दिन क्लास में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।